जैसा कि आपको पता ही है कि पंचायत सचिव संघ अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर पिछले लंबे समय से हड़ताल पर बैठा है। फिर भी आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचिव संघ बीते 26 दिसंबर से काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। वहीं सचिव संघ हड़ताल के दौरान कई तरह के क्रियाकलाप कर राज्य सरकार को चेताने का कार्य कर चुका है, लेकिन सरकार व प्रशासन की ओर से कोई भी पहल नहीं की गई है। अब पंचायत सचिव संघ ने अपनी मांग मनवाने के लिए आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इसके लिए बाकायदा पंचायत सचिव ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी जिला प्रशासन को सौंपा है। बता दें कि आत्मदाह किए जाने वाले पौड़ी उपरोड़ा पंचायत सचिव संघ में मोहम्मद हसन, रहीम अली, ममता कश्यप भी शामिल हैं। वहीं हड़ताल पर बैठी ममता कश्यप ने कहा कि हम सबका 2 वर्ष बाद शासकीयकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि 27 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो मैं मुख्यमंत्री के निवास के बाहर आत्मदाह जरूर करूंगी। सरकार से मैं अपनी सभी जायज मांगे पूरी करने की विनती करती हूं। वहीं एक अन्य प्रदर्शनकारी मोहम्मद हसन, जिला संघ प्रवक्ता का कहना है कि हम पिछले 21 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी एक सूत्रीय मांग है कि 2 वर्ष तक परीक्षा अवधि खत्म कर हमारा शासकीयकरण किया जाए। सरकार ने अभी तक हमारी सुध नहीं ली है। आज मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूं। यदि 27 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो मैं मुख्यमंत्री के निवास के बाहर अपना आत्मदाह करूंगा। वहीं एक अन्य प्रवक्ता ने कहा कि सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। सरकार एकदम जिद्दी व अड़ियल हो गई है, इसलिए अब मैं 27 तारीख को मुख्यमंत्री के निवास के सामने आत्मदाह करूंगा। बता दें कि इसके लिए बाकायदा पंचायत सचिव ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी जिला प्रशासन को सौंप दिया है। मैं ममता कश्यप, सचिव ग्राम पंचायत सुतर्रा, जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा। हम सभी सचिव भाई बहनों की एक मांग, जायज मांग, 2 वर्ष पश्चात हम सभी का शासकीयकरण किया जाना। अगर 27 तारीख तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो मैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर में अपना आत्मदाह जरूर करूंगी। हमारी मांगें पूरी सरकार से करने के लिए मैं विनती करती हूँ। मैं मोहम्मद हसन, जिला संघ प्रवक्ता, और हम आज 21 दिन हो गया है हड़ताल में बैठे हैं, और हमारी एक सूत्री मांग है 2 वर्ष की परीक्षा अवधि ख़त्म करके शासकीयकरण करने के लिए, ठीक ना, जो कि आज तक सरकार कोई भी हमारे पास सूद नहीं ले रहा है। और आज मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ, और भूख हड़ताल में बैठने के बाद 27 तारीख को मुख्यमंत्री के गृह निवास के बाहर मैं अपना आत्मदान करूंगा। देखा जा रहा था कि डीएस बाबा जो पंचायत मंत्री है उनके साथ में वार्ता हो रही थी, क्या उसमें वार्ता सफल नहीं हुई? नहीं हो पाया वार्ता सफल। पूर्व जिला अध्यक्ष एवं जिला सलाहकार पंचायत सचिव संघ जिला कोरबा, अभी तक देखा जा रहा है कि शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का सचिवों को कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों की जो मांगे हैं उनके बारे में क्या कहना है? हमारा मांग पिछले 26 दिसंबर से अनवरत जारी है और 12 तारीख से क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। हम शासन से बार बार, हमें डेलीगेशन बुलाया जा रहा है, पंचायत मंत्री के द्वारा। पंचायत मंत्री का कोरा आश्वासन ये है कि आप लोग उठ जाइए, हम आपका मांग पूरा कर देंगे। इस बार हमारे पंचायत सचिव साथियों का बस एक ही कहना है कि हमारा 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्त पश्चात हमारा सरकारीकरण कर दिया जाए। इसके अलावा हमारा कोई मांग नहीं है, और सरकार सोच रही होगी कि हम कोरा आश्वासन देकर सचिवों को उठा देंगे, तो ये असंभव है। इस बार पूरे प्रदेश के सचिव एकजुट होकर लड़ रहे हैं, इसके लिए आर पार के लड़ाई के लिए तैयार हैं। अभी अभी आपने देखा कि हमारे कुछ साथी जो है, अगर 27 जनवरी तक सरकार मांग पूर्ण नहीं करेगी तो मुख्यमंत्री निवास के सामने अपना आत्मदाह भी करने को तैयार हैं। इसे कोरा आश्वासन ना माना जाए। सचिव अगर बोले हैं तो इसको मुख्यमंत्री को करके दिखाएंगे। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ शासन और भूपेश सरकार से अपील करता हूं कि हमें और ना परेशान किया जाए। आज पूरे पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सहायक के हड़ताल में चले जाने से पूरे 200 प्रकार का काम प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार का, छत्तीसगढ़ शासन का जितने भी योजना हैं सभी जो है कि ठंडे पड़ चुके हैं, पूरा रुक चुका है। परेशान पब्लिक परेशान है, उस परेशानी को हम भी देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सूद जल्दी ले, हमारे मांग को जल्दी पूर्ण करे।
और कामकाज जो है पंचायतों में पूर्व की तरह जो है सुचारू रूप से हो सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.